हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिस किचन। आज मैं आपको ठंडाई पाउडर बनाने सिखाने जा रही हूँ, जिससे कि आप इंस्टेंट ठंडाई बना पाएंगे। इस पाउडर से ठंडाई उतनी ही अच्छी बनती है जितना आप नॉर्मल बादाम और सौंफ वगैरह रात में भिगो के बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। हमें ठंडाई बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये 350 ग्राम्स के अराउंड शुगर चाहिए हमें। ये 30 ग्राम्स पिस्ता है। 60 ग्राम्स हमने एलमंड्स लिए हैं बादाम। 30 ग्राम्स मैंने काजू लिए हैं। 30 ग्राम्स ये मेलन सीड्स हैं खरबूजे के बीज। 30 ग्राम्स हमने सौंफ लिए। 10 ग्राम्स के अराउंड ये मैंने इलायची को डीसीड कर लिया है, और 5 ग्राम्स के अराउंड हमारी काली मिर्च है। 30 ग्राम्स ये खसखस सीड्स हैं, पॉपी सीड्स हम इसे बोलते हैं, और ये हाफ लीटर हमारा मिल्क है। तो हमें इसको पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये सौंफ लिए। सौंफ हम ग्राइंडर में डाल देंगे। इसके साथ हम पूरी शुगर नहीं, थोड़ी सी शुगर डालेंगे। अराउंड 100 ग्राम्स मैंने इसमें शुगर डाली है, और हम इसमें ये जो हमारी 5 ग्राम्स ब्लैक पेपर है वो डाल के सबसे पहले इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये ग्राइंड हो गया है, सौंफ और शुगर का पेस्ट। जब भी शुगर डालें, जार खोलें तो 5 मिनट वेट करके खोलें, क्योंकि जब भी शुगर आप खरते हैं तो एकदम से धुआं टाइप सा उठता है। तो आप 5 मिनट बाद मिक्सी को खोलिए, और अब हम इसको छान लेंगे एक छलनी लेकर। हम इसे छान लेंगे, ये देखिए मैंने छान लिया है। जो ये आपकी थोड़ी सी सौंफ बच गई है, इसको आप दोबारा से ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। इस बाउल को हम अब साइड में रख के और चीज़ें पीस लेते हैं। अब मैं इसमें ये पॉपी सीड्स यानी कि जो हमारा खसखस है उसको डाल रही हूँ। ये हमारा मेलन सीड्स, हमारा पिस्ता, जी जो मेरी डीसीटेड इलायची थी, हमारे बादाम, और अब इसमें मेरी शुगर पूरी नहीं आएगी, तो मैं थोड़ी सी शुगर अभी डाल के और थोड़ा ग्राइंड करने के बाद थोड़ी देर फिर बाद में शुगर डाल दूंगी। ये मैंने थोड़ी सी शुगर बचा ली है, और इसको पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये मेरा पिस गया है, बाकी बची हुई चीनी में इसमें डाल के एक बार दोबारा से ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए हमारा मिक्सचर ग्राइंड हो गया है, और हम इसे भी जैसे हमने पहले वाला मिक्सचर छाना था, तो हम इसको भी थोड़ा छान लेते हैं। इसमें जो हमारी गांठे होंगे वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, और इसको हम ऐसे छान लेते हैं। छान लिया है पाउडर, और ये ठंडाई पाउडर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने जो हाफ लीटर मिल्क लिया था, इसे मैं एक गिलास मिल्क, तो मैं 3 गिलास ठंडाई बना रही हूँ, तो इसमें मैं 9 चम्मच ठंडाई पाउडर डालूँगी। लगभग एक गिलास में आप 3 स्पून्स डाल दीजिए। और इसको आप इंस्टेंट अभी भी तैयार कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो इसे आधा घंटा सेटल होने के लिए रख दीजिए, ताकि जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। तो हम इसको आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हम ठंडाई बना लेते हैं। तो जो हमारा आधा घंटा हो चुका है इसको, तो अब हम इसको डाल देंगे। और ये बचा हुआ दूध जो हमने हाफ लीटर लिया है, क्योंकि हम 3 ग्लास ठंडाई बना रहे हैं,
और इसमें मैं आइस क्यूब्स डाल दूंगी। तो इसमें आप देख लीजिए कि कितनी ठंडी आपको ठंडाई चाहिए। तो मैंने इसमें लगभग 5-6 आइस क्यूब्स डाल दिए और अब हम इसको चर्न कर लेंगे। ये हमारी ठंडाई चर्न हो गई है, हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हम इसे अपने ग्लासेस में डाल देते हैं सर्व करने के लिए। और आप इसको गार्निश कर सकते हैं पिस्ता से और बादाम से। मुझे बादाम ज़्यादा पसंद है तो मैं बादाम से गार्निश कर रही हूँ। आप पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं इसे। ये देखिए हमारी ठंडाई रेडी हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस ठंडाई पाउडर को आप 2 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर।